नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वामित्व योजना की विशेषताओं के साथ ही इस योजना से मिलने वाले लाभ के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस योजना में आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। देश के गांव देहात में बसे लोगों को मजबूत बनाए बिना नए भारत के निर्माण संभव नहीं है। इसे संकल्प के साथ केंद्र सरकार स्वामित्व योजना को लेकर आई है। गाँव में लोगों को अपने घर का मालिकाना हक मिले, घर के कानूनी दस्तावेज लोगों के ही पास हो, इसी मकसद से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड देने की व्यवस्था की गई है। बिहार वासियों के लिए खुशी की बात यह है कि बिहार में भी इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के दिन से ही शुरू हो गई है। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही बिहार के गांव वासियों के लिए कई क्षेत्रों में मददगार साबित होने वाला है। देश में स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के दिन लॉन्च किया गया था। इसके तहत सबसे पहले बीते साल 2020 में 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 1,00,000 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड्स उपलब्ध कराया गया था। वहीं अब बिहार में भी इस योजना की शुरुआत हो गई है, जिससे यहां भी ग्रामीणों को उनकी संपत्ति, घर या जमीन के लिए प्रॉपर्टी कार्ड मिलेंगे। अब आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में। संपत्ति स्वामित्व योजना के अंतर्गत बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लोगों के मकान या जमीन आते हैं, उन सब का भूमि सर्वे किया जाएगा। यह सर्वे वैज्ञानिक तरीके से ड्रोन की मदद से किया जाएगा, यानी ड्रोन के जरिए आपकी जमीन की मापी कर ली जाएगी। ड्रोन तकनीक और कोर्स की मदद से गाँव की हर संपत्ति का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और इसके साथ ही हर राजस्व ब्लॉक की सीमा भी तय की जाएगी। इसका मतलब है कि कौन सा घर कितने एरिया में है, यह ड्रोन तकनीक से आसानी से पता लग जाएगा। अब इसके लाभ के बारे में हम बात करते हैं। जिन लोगों की जमीन की मैपिंग हो जाएगी, उन्हें एक संपत्ति कार्ड या फिर प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके जमीन से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। हर कार्ड में आधार कार्ड की तरह एक यूनिक नंबर होगा। इस कार्ड के बहुत फायदे हैं। प्रॉपर्टी कार्ड के बन जाने से आप बैंकों से लोन लेने की सुविधा भी ले सकेंगे। वहीं हर पंचायत के पास अपना खुद का जमीन का भी रिकॉर्ड रहेगा। इसका एक बड़ा लाभ यह होगा कि गांव में जमीन से जुड़े विवाद कम हो जाएंगे। इसके अन्य लाभों की बात करें तो गाँव में विकास कार्यों के लिए कई योजना को चलाने में सरकार को मदद मिलेगी। वहीं संपत्ति के पक्के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हो जाने से राजस्व संग्रह में भी इसका लाभ मिलेगा। तो थे बिहार में शुरू होने वाली संपत्ति स्वामित्व योजना के बारे में जानकारी। बिहार ही नहीं, पूरे देश में इसके तहत सरकार ने अगले 4 सालों में 6,20,000 गांवों को कवर करने का लक्ष्य रखा है। इस काम के लिए राज्य में राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। बिहार में इस साल पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं और इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से गाँव को यह सौगात मिली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बिहार से जुड़े अपडेट को देख तो आज के इस वीडियो में इतना ही बिहार से जुड़े अपडेट को देखते रहने के लिए ऐसे ही बिहारी न्यूज़ के साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।